अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे? सम पेरेंटिंग रिलेटेड। सो हमारा पेरेंटिंग कैसा होता है और हम किस माहौल में रहते हैं वो हमारी पूरी लाइफ और हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। हम अपने सराउंडिंग और जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो हम देखते हैं हमारे घर का माहौल कैसा है, आई मीन हमारे पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, तो वो हमारी मेंटेलिटी बन जाती है। आई मीन रिस्पेक्ट देना या फिर कम्युनिकेट करना, ये उनका कैसा है। तो जैसे ही बच्चे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते तो बच्चों को भी पता नहीं होता है। और एजुकेशन इसीलिए ली जाती है आई मीन कि हम गलत और सही में फैसला कर सकें। तो समटाइम कैसा होता है कि जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। आई मीन ऐसा तो है नहीं पता नहीं होता, होना चाहिए, बट सम पर्पज़ली उनको वो एजुकेशन नहीं मिली होती है, वो बैकग्राउंड, वो सराउंडिंग नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से उनका मेंटली, उनका जो बिहेवियर होता है टूवर्ड्स एनीवन, उनका रिस्पेक्टफुल नहीं होता है, जिनकी वजह से ना उनको खुद को रिस्पेक्ट मिलती है इन फ्यूचर और ना ही वो किसी को रिस्पेक्ट देने के लायक होते हैं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ हमारी पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है, हमारी पेरेंटिंग किस तरह से हुई है। आई मीन हर किसी का एक वक्त आता है, वो उसको सोचता है कि ये वक्त हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, आई मीन हम हमेशा फुलफिल ही रहेंगे, हम कभी किसी के मजबूर नहीं होंगे। तो वो जब वक्त में अपने आप को आई मीन जो अल्लाह ताला ने या फिर उसको एबिलिटी कुछ होती है, आई मीन फिज़िकली फिट होता है, तो वो उस वक्त ऐसे ट्रीट करता है लोगों को कि यस आई एम व्हाट आई एम। लेकिन जब वक्त आने पर उसे वक्त सिखा देता है कि ये सही नहीं है। तो वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं और बच्चे भी वैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन आई मीन जो गलत है जो सही है वो सही है, उसे बता दिया जाता है, सामने वाला बता देता है इन देयर वे, और फिर वो उसको समझ में आता है कि मेरी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं गलत हुई है। तो वो गलत को उसे एक्सेप्ट करना ही होता है इन एनी हाउ। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक।